नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टी20 विश्व कप 2021 में भारतीय टीम का सफर बेहद शर्मनाक अंदाज में खत्म हो गया। टीम इंडिया सुपर 12 में ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर रही और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार एक तरीके से बायोबबल को भी माना गया। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी बायोबबल पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि बायोबबल में रहना आसान नहीं होता और ये टीम के परफॉर्मेंस पर असर डालता है। अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भी शास्त्री की इस बात पर सपोर्ट किया है और साथ ही ये भी बताया कि उनकी टीम खुद को तरोताजा रखने के लिए क्या करती है। दरअसल भारतीय टीम लंबे समय से बायोबबल में खेल रही थी। ये सब इंग्लैंड के भारत दौरे के साथ ही शुरू हुआ था, जब टीम ने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली, फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयार हो गई। इसके बाद तुरंत आईपीएल के बायोबबल में प्रवेश करके यूएई में पहुंच गई थी, फिर वर्ल्ड कप के बायोबबल में प्रवेश किया। शास्त्री कहना है कि बबल ने टीम की हालत पतली कर दी और खिलाड़ियों में थकान है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन बायोबबल में रहने से खिलाड़ियों की परेशानी और तंग स्थिति से गुजरना पड़ता है। बाबर ने कहा, हम लोग ऐसे में एक ग्रुप के तौर पर रहते हैं और पाकिस्तान टीम एक दूसरे को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती है। बाबर ने कहा, अगर कोई खिलाड़ी खराब प्रदर्शन कर रहा है तो उसको तरोताजा होने के लिए अपनी मन की स्थिति में कुछ समय बिताने की जरूरत होती है। वो खुद को समझना चाहता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। बाबर ने कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर आपको रिलैक्स होने की जरूरत है और प्रेशर को झेलने के लिए रेडी रहना है, लेकिन अगर बबल की निगेटिव चीजों से आप निकल नहीं पाते हैं तो आपकी मानसिक हालात पर असर आएगा ही और आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी ही। बाबर पाकिस्तानी टीम के लिए शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान की टीम के तौर पर भी जबरदस्त खेल दिखाया है। अभी तक टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया है। अब पाकिस्तान की टीम 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी और इस टीम को जीतते ही वो फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। आपको बता दें, लीग मुकाबलों के पहले ही मैच में पाकिस्तान की टीम ने भारत को 10 विकेटों से हराया था। इस मुकाबले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 152 रन जोड़कर पाकिस्तान की टीम को 10 विकेटों से जीत दिला दी थी। इसके बाद भी बाबर ने जबरदस्त फॉर्म को बरकरार रखा था और कई अर्धशतक लीग मैचों के दौरान लगाए हैं। वो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नंबर एक पर भी चल रहे हैं और हाल ही में वो टी20 रैंकिंग में टॉप पर बरकरार भी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।